जय हिंद, वेलकम टू ऑल। मैं एसआई सुरेंद्र कुमार मीणा और मेरा कॉन्स्ट्रक्टर एसआई जेई सुरेंद्र सिंह फर्स्ट बटालियन एनडीआरएफ से आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं और मेरा कॉन्स्ट्रक्टर इलेक्ट्रिक रोटरी हैमर ड्रिल मशीन के बारे में बताएंगे। इसका काम, टेक्निकल डाटा, पार्ट्स, एसेसरीज, सेफ्टी मेजर्स एंड ट्रिबल शूटिंग के बारे में जानकारी देंगे। इस इक्विपमेंट का यूज एनडीआरएफ डिजास्टर के समय कंक्रीट, वुड, मेटल में ड्रिलिंग, हैमरिंग और चीजलिंग करने के लिए उपयोग में लेती है। इस इक्विपमेंट का टेक्निकल डाटा इस प्रकार है। इसमें पावर कंजम्पशन होता है 650 वोल्ट और ऑपरेटिंग वोल्टेज इसका 220 वोल्ट और इसका वेट 2.7 केजी और एम्पियर 2.9 एम्पियर और इसका रोटेशन पर मिनट होता है 1200 आरपीएम। इस इक्विपमेंट्स के पार्ट्स इस प्रकार हैं, इलेक्ट्रिकल कोड, प्लग, हैंड ग्रिप, ट्रिगर, ट्रिगर लॉक, टिल एयर वेंट होल, रिवाइजिंग रोटेशन सिलेक्शन स्विच। ये मोड सेलेक्टर, मोड सेलेक्टर कैच, इसमें तीन पोजीशन होती हैं। फर्स्ट पोजीशन पे ड्रिलिंग, जिसमें ड्रिल किया जाता है। सेकंड पे ड्रिलिंग और हैमरिंग दोनों, और थर्ड पे ओनली हैमरिंग होती है। एक्जिलरी हैंडल है जिसमें डेप्थ गेज लगाया जाता है और ये डेप्थ गेज कैच। ऑक्सिलरी हैंडल को दोनों साइड से यूज किया जा सकता है। इसको लेफ्ट हैंड से भी किया जा सकता है और राइट हैंड से भी किया जा सकता है। ये 360 डिग्री रोटेट होता है, इस वजह से दोनों साइड से काम किया जा सकता है इससे। ये एसडीएस लॉकिंग स्लीव्स, डस्ट कैप और एसडीएस टूल होल्डर। ये इसके तीन प्रकार के बिट हैं, जिसमें पहला बिट है ये ड्रिलिंग और हैमरिंग दोनों के काम में आता है। ये चिपिंग बिट है जिससे चिपिंग की जाती है। इसमें चार प्रकार का होल साइज जो होल करने के काम में आते हैं। फर्स्ट 1 इंच, दूसरा 2 इंच का, तीसरा 3 इंच और चौथा 4 इंच का छेद करने में काम आते हैं। ये इसका अडप्टर है। ये की टाइप ड्रिल चक, ये इसका एलन की और ये डेप्थ गेज। इस इक्विपमेंट को चलाने से पहले कुछ सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें पीपी पहननी पड़ती है, जो मेरा कॉन्स्ट्रक्टर के चौबे बताएंगे आपको। पीपीई, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पीपी क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई का इस्तेमाल हम किसी भी सीएसआर कार्रवाई शुरू करने से पहले करते हैं। सीएसआर कार्रवाई शुरू करने से पहले सबसे पहले हम पीपीई में बताएंगे आपको सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट का इस्तेमाल हम अपने मस्तिष्क को बचाने के लिए या सर को बचाने के लिए करते हैं। उसके बाद सेफ्टी गोगल्स, जिसका इस्तेमाल हम अपनी आँखों को बचाने के लिए करते हैं, जिससे कि हमारी आँखों में धूल गर्दा या कोई छोटा कण ना चला जाए। उसके बाद ईयर प्लग। सीएसआर ऑपरेशन के दौरान हम कई ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनका आवाज़ हमारी स्वर्ण क्षमता से ज़्यादा है, उसका इस्तेमाल हम अपने कानों को बचाने के लिए करते हैं। उसके बाद डस्ट मास्क। डस्ट मास्क का इस्तेमाल हम अपने मुंह और नाक को बचाने के लिए करते हैं, जिसकी सहायता से हमारे नाक या मुंह में कोई धूल गर्दा या कोई कण ना चला जाए। उसके बाद डांगरी का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में पैर से लेकर पूरे गर्दन तक जुड़ा होता है, जिससे कि कोई गर्म चीज़ या कोई टुकड़ा हमारे शरीर के अंदर जाके नुकसान ना करे। उसके बाद नी पैड का इस्तेमाल हम अपने घुटनों को
बचाने के लिए और अपना एक आरामदायक पोजीशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हेवी ड्यूटी ग्लव्स, इसका इस्तेमाल हम अपनी हाथों को सुरक्षा प्रदान करने और किसी भी इक्विपमेंट पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद नी पैड का इस्तेमाल हम अपने घुटनों की सुरक्षा और आरामदायक पोजीशन में जाकर काफ़ी समय तक काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हार्ड टो बूट, इसका इस्तेमाल हम अपने पैरों की सुरक्षा के लिए करते हैं, जिसके चलते हम किसी हजार्डस जगह पर भी आराम से पहुंच सकते हैं और अपने पैरों की सुरक्षा रख सकते हैं। किसी भी CSR ऑपरेशन में कोई भी उपकरण इस्तेमाल करने से पहले हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम उस उपकरण का इस्तेमाल जोड़ी जोड़ी में करें। उसके बाद हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जहाँ काम कर रहे हैं या जहाँ काम करने वाले हैं वो स्थान साफ और प्रकाशीय हो। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमें रोटरी हैमर ड्रिल मशीन आज चलाने के लिए यहाँ अपॉइंट किया गया है। रोटरी हैमर ड्रिल मशीन चलाने से पहले हमें यह ध्यान में रखना होगा कि रोटरी हैमर ड्रिल मशीन में कौन कौन से बीट क्या काम करते हैं। ये हमारा 18 mm का ड्रिलिंग बीट है, ये भी 18 mm का ड्रिलिंग बीट है, ये 14 mm का ड्रिलिंग बीट, ये भी 14 mm का ड्रिलिंग बीट, उसके बाद ये 12 mm का ड्रिलिंग बीट और ये भी 12 mm का ड्रिलिंग बीट है। और हमारे पास एक ये चिपिंग बीट, जिससे हम किसी ब्रिक में या ब्रिक की दीवार को चिप करके तोड़ते हैं। उसके बाद ये चक है, उसके बाद ये चकिंग की है, उसके बाद सर ये है होल सॉ, इसको हम लकड़ी में होल बनाने के काम में इस्तेमाल करते हैं। ये 4 माप का होता है, पहला 1 इंच, दूसरा 2 इंच, तीसरा 3 इंच, चौथा 4 इंच। और इसको ड्रिल मशीन में यूज़ करने के लिए हम एक एडेप्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो ये है। और उसके बाद ड्रिलिंग करते समय हमें कितना ड्रिल करना है उसको माप कर हम एक गॉज का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं गॉज। जैसा कि हमें बताया गया, रोटरी हैमर ड्रिल मशीन से कंक्रीट, मेटल या किसी वुडन की ऑब्जेक्ट को ड्रिल किया जा सकता है, हैमरिंग किया जा सकता है और चिजलिंग किया जा सकता है। तो अभी मैं आपको रोटरी हैमर ड्रिल मशीन में बीट कैसे लगता है ड्रिलिंग के लिए वो मैं करके दिखाऊंगा। ये SDS सिस्टम पे चलता है, तो इसलिए इसमें किसी की का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें ड्रिलिंग बीट को अपने हाथ से मजबूती से पकड़ते हैं और रोटरी हैमर ड्रिल मशीन के ऊपर इसे करके एजूम करते हैं। एक आवाज़ आता है कड़ सा, उसको देखते हुए एक दो बार इसे ऊपर नीचे करके देखते हैं कि ये सेट हुआ है कि नहीं। ये गेज है, तो गेज का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हमें अपने ऑब्जेक्ट में कितना अंदर ड्रिलिंग करना है। तो इस गेज का इस्तेमाल हम गेज कैच को दबाते हुए गेज होल से गेज को सेट कर देते हैं। और जैसा कि हमारे पास ये ड्रिलिंग बीट बड़ा है और गेज छोटा है, तो इसका इस्तेमाल हम करके दिखाएंगे। अभी हमको CSR ऑपरेशन के दौरान इस कंक्रीट की दीवार में एक होल बनाने के लिए बताया गया है। तो ये होल बनाने से पहले हमें ध्यान में रखने वाली बातें, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा बीट सही लगा है कि नहीं, उसके बाद हम देखेंगे गेज ठीक है कि नहीं, उसके बाद ऑक्सिलरी हैंडल टाइट है कि नहीं, और हमें ड्रिलिंग करना है तो हम सबसे पहले मोड सेलेक्टर से मोड कैच को दबाते हुए ड्रिलिंग के पोजीशन पे ले जाएंगे। अभी ये हमारा मोड ड्रिलिंग पे चला गया है। अब हम इंश्योर करेंगे कि हमारे पास इसको चलाने के लिए 220 वोल्ट का बिजली का ज़रूरत पड़ता है, वो है कि नहीं, वो हम इंश्योर कर चुके हैं और हमारे पास 220 वोल्ट का बिजली उपलब्ध है। अब सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात, ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसका इस्तेमाल हम जब किसी ऑब्जेक्ट में होल करना हो तो उस ऑब्जेक्ट में टच करके इसका फुल RPM देकर हम अपना काम को शुरू करेंगे। Are you ready? Yes, ready, plug in.
जैसा कि आपने देखा, रेस्क्यूअर वन दिए हुए टास्क के अनुसार इस कंक्रीट की दीवार में छेद कर रहा था और उसी दौरान रेस्क्यूअर टू इसके कंधे पर एक थपकी मारा। इस थपकी का मतलब होता है कि जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य को रोका जाए, और दो थपकी मारने का मतलब होता है कि फिर से उस काम को रिज्यूम किया जाए। इस दौरान टू का काम होता है, जब वो रेस्क्यूअर वन को रोकेगा तो जो प्लग को वो इन किया था इलेक्ट्रिक बोर्ड में, उसको वो थपकी मारने के साथ ही साथ उसको वहाँ से आउट करेगा। रोटरी हैमर ड्रिल मशीन से किसी भी वुडन ऑब्जेक्ट पर कोई होल बनाना हो तो हमारे पास चार प्रकार के होल्स हैं, जो कि इस वीडियो में पहले बताया जा चुका है। तो मैं आपको अभी होल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो करके दिखाऊंगा। तो होल्स का इस्तेमाल करने से पहले हम सबसे पहले एडाप्टर लेंगे। एडाप्टर लेने के बाद मैं 3 इंची का होल्स ले रहा हूँ। अब इसको लगाने का तरीका, यहाँ पर रिंग्स बने हुए हैं, एडाप्टर के साथ उस रिंग को मिलाकर घुमाएंगे और जहाँ ये होल्स सेट हो जाए वहाँ पर इसको सेट करके फिर इसे रोटरी हैमर ड्रिल मशीन में लगाएंगे। तो लगाने से पहले हमें ज़रूरत है चक बिट लगाने का, क्योंकि इसे चक बिट के इस्तेमाल से ही यूज़ किया जाता है। चक बिट लगाने के बाद इंश्योर करेंगे कि चक बिट लगा है कि नहीं। अब इसमें होल्स को लगाएंगे। होल्स लगाने के बाद होल्स को की के मदद से टाइट करेंगे। अब हम आपको वुडन सरफेस पे होल सॉ की मदद से कैसे होल किया जाएगा वो करके दिखाएंगे। आर यू रेडी? रेडी, प्लग इन। हमारे ड्रिल मशीन से हम चिपिंग का भी काम कर सकते हैं। तो चिपिंग का काम करने से पहले हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमें चिपिंग बिट को रोटरी हैमर ड्रिल मशीन में लगाना पड़ेगा। बिट लगाने के बाद हम इंश्योर करेंगे कि बिट लग गया है कि नहीं। उसके बाद हमें मोड सेलेक्टर पे ये देखना पड़ेगा कि हमारा मोड सिलेक्शन कहाँ है। तो चिपिंग करने के लिए हमें मोड सिलेक्शन को ड्रिल और हैमरिंग दोनों पे रखना पड़ेगा। तो अब मैं मोड सेलेक्टर कैच को दबाते हुए मोड सिलेक्शन को चेंज करूँगा। अब चेंज हो गया। अब हमारा रोटरी हैमर ड्रिल मशीन चिपिंग करने के लिए तैयार है। अरे रेडी? रेडी, प्लग इन। जैसा कि हम लोग रोटरी हैमर ड्रिल मशीन चलाएं और तीनों पोजीशन में कैसे कैसे काम किया जाता है वो करके भी आपको दिखाएं। अब काम करने के बाद किसी भी उपकरण में क्या ट्रबल पड़ती है और उसको कैसे दूर करते हैं वो मैं रोटरी हैमर ड्रिल मशीन में क्या रोके पड़ेंगी और उसको कैसे दूर करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। रोटरी हैमर एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है। सबसे पहले इसके कॉर्ड में कोई ख़राबी आ सकती है या इसका प्लग टूट सकता है या इसमें कोई ख़राबी आ सकती है या इस मशीन में इंटरनली, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है तो इसमें कई इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, उसमें भी खराबी आ सकती है। तो इसको हम एक स्पेसिफिक वर्कशॉप में भेजकर इसका मरम्मत कराएंगे और उसके बाद एक्सटर्नल रूप से पड़ने वाली रोके, जैसे कि इसमें ये बीट लगा है, ये बीट काम करते करते दीवार में फंस सकता है या जिस ऑब्जेक्ट में इसको लगाया गया है उसमें फंस सकता है। तो हम इसको उस ऑब्जेक्ट में लगे हुए रहने देंगे और SDS को दबाकर इस बीट को उसी ऑब्जेक्ट में रहने देंगे और चीजल और हैमर की मदद से अपने बीट को निकाल लेंगे। तो ये इस इक्विपमेंट में पड़ने वाले रोके और उसे दूर करने का तरीका। टास्क दिया गया था रोटरी हैमर ड्रिल मशीन से कैसे काम किया जाता है और क्या क्या काम किया जाता है, और सबसे अंत में और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपकरण से काम करने के बाद इस उपकरण को कैसे रखेंगे
और इससे ज़्यादा दिन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इसका रख रखाव कैसे किया जाएगा वो अभी आपको करके दिखाया जाएगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके टूल बार में कुछ फंसा है कि नहीं, उसके बाद इसका HDS ठीक काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद मोड सिलेक्शन को भी देखेंगे कि इसमें कोई टूट फूट आई है कि नहीं, उसके बाद इसके ट्रिगर को दबाकर देखेंगे ये सही काम कर रहा है या नहीं, और उसके बाद इस इक्विपमेंट को हम कपड़े की मदद से एक्सटर्नली साफ करेंगे। उसके बाद हम इसमें यूज़ किए गए बीट्स को भी कपड़े की मदद से साफ करेंगे। उसके बाद इन बीट्स को रखने से पहले हम इसमें एक दिया हुआ ऑयल है उसका इस्तेमाल इन बीट्स पर करेंगे। और एक ध्यान में रखने वाली बात है, इस इक्विपमेंट में हम ध्यान रखेंगे कि कोई ऑयल एक्सटर्नली यूज ना किया जाए, और इसको रखने से पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि इस तक कोई नमी ना पहुंच पाए, पानी ना पहुंच पाए।